चैट, मैंने एक फैसला कर लिया है, ना विराट ना रोहित, रिंकू, नो नॉट रिंकू, देन श्रेयस. मैं जाऊंगा अब श्रेयस के साथ. बहुत सही नहीं भाई, कम से कम क्रिकेट ना देखने को मिले, डांस वगैरह से दिल बहले, कुछ मजा आए, है ना. देखिए, शॉर्ट बॉल मुझे पड़ेगी तो मेरी जिंदगी हिलेगी, लेकिन मैं डांस से आपका मनोरंजन करूंगा. बात तो सही है. मैंने विराट को देखा, उसने मुझे देखा, मैं भाग गया. बात तो सही है. रोहित शर्मा आए, मैंने हार्दिक को मैसेज किया, एसएमएस किया, हार्दिक ने बोला तो टीम में. बात तो सही है. हाई फाइव हार्दिक. रोहित बाहर, मैं अंदर. कम ऑन मिस्टर डी ऑस्ट्रेलिया से, व्हाई डोंट यू रेज योर वॉइस फॉर चहल. विराट कोहली ड्रॉप होता तो मर जाते तुम लोग. एजेंडा यारी, करो चहल का स्टैट कंपेयर. नहीं 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 होगा, रोहित विराट करना है तुम लोगों को. नहीं, नहीं देखो नहीं. इसमें आप हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं. क्या चहल को मैंने ड्रॉप किया? मैंने तो ड्रॉप नहीं किया. बात तो सही है. चहल ऑस्ट्रेलिया गया, उसको एक गेम नहीं मिली, रोहित ने उसको बाहर किया. बात तो सही है. अब चहल को T20 से बाहर निकाल दिया, वनडे में डाल दिया. वनडे में डालने के बाद भी एक भी गेम नहीं मिली, मैं तो फिर भी जीरो पे आउट होकर वापस आ गया. बात तो सही है. तो क्या है भाई, मैं क्या करूं चहल का, बताओ. मैंने चहल के लिए इतनी आवाज उठाई, किसी के कान पे जू नहीं रहेगी चहल के लिए. हम यहां पे चहल का बैठ के शो कर ले, 50 की वॉचिंग ना, मतलब किसी को परवाह नहीं हो रही आज की डेट में. मैं क्या करूं बताएं आप. हमने आवाज उठाई है चहल के लिए, हमने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में चहल को खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया. तो अभी तो रोहित शर्मा हो रही है, उनकी डिसीजन तो देखो कप्तानी में. भूवी को वापस लेके आ गए, भूवी लगे हुए वहां पे. नहीं, उनका ऐसा आता है छ ऐसा. हाँ, वो पहले आता ना, वो यूं आता है फलक्रम. ये ले, मार मार के हालत खराब कर दी जॉस बटलर ने. और साथ में कौन था उनका जोड़ीदार सेमीफाइनल, मार मार के उन्होंने दोनों तोड़ दिया. बहुत मारा था, 10 विकेटों से जीते थे यार ये. तो अब यूजी की जहां तक बात है भाई, यूजी को 2019 में मौका मिला. वो जब से एक्चुअली कुलदीप यूजी को जब से वहां पे मार पड़ी है ना, उसके बाद से वो दिखे नहीं ढंग से. और उसके बाद उन्होंने अच्छा भी करा आईपीएल में, उन्होंने अच्छी बॉल डाली, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बॉलिंग करी. बट ही वेंट विद कुलदीप यादव, आपका रोहित शर्मा, और कुलदीप ने भी बहुत अच्छा कर दिया. और यूजी साइडलाइन ही होते गए, ही वेंट विद अश्विन एंड कुलदीप यादव. अब यूजी के लिए आवाज उठा लो भाई. हम तो आवाज, बैट बॉल, जूते, कपड़े, लट्ठे, गाड़ी, सब कुछ उठाने को तैयार है उसके लिए. बट इनको कोई फर्क तो पड़े, उनका चैप्टर ही क्लोज कर दिया इन्होंने. बिश्नोई बाहर कर देते हैं तो बिश्नोई बाहर. यार आप, अब बिश्नोई का टाइम एशिया कप में बिश्नोई ने इतना अच्छा किया, उसको यूजी तो फिर भी इतना खेल गया, उसको फिर भी एक साल बाहर कर दिया. अभी बिश्नोई प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आया, वो फिर साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया. इन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों को निकाल दिया, मैं फिर भी टीम में आ गया. बात तो सही है. मैंने वांखडे में 100 मारा और मैं फाइनल में जाके जल्दी से वापस आया. मुझे खाना भी खाना था, भूख लग रही थी. बात तो सही है. बात सही नहीं है. मैंने डांस इंडिया डांस में डालना था. बात तो सही है यार. इसके वैसे मैं एक डांस कॉम्पिटिशन करवाऊंगा. मैंने कहा ऐसे जैसे अगर श्रेयस अय्यर से बात करता, ईशान शर्मा होते तो कैसे बात करते. ईशान शर्मा की तो आवाज यार, मैंने बोला था यार आपको, यार आप करिए यार, मैंने आपको बोला था यार कि आप अगर रोहित शर्मा को कप्तानी कराएंगे ना तो देखना पड़ेगा, लेकिन विराट बहुत अच्छे प्लेयर है यार. विराट अच्छे प्लेयर है, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू करता ना ईशान, लेकिन ईशान भाई देखिए, विराट अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही ना, वो सेल्फिश भी तो है ना साथ में, वो अपने प्लेयर रन बनाते हैं. रोहित शर्मा तो सेल्फलेस बहुत है ना यार. सेल्फलेस होने से क्या होता है यार, आप देखो ना कि विराट कोहली जिस हिसाब से आपका मिडिल ओवर्स में भले कम स्ट्राइक रेट है जैसे कि लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी ओवरों की बल्लेबाजी देखिए, एंड तक पूरा मारते हैं वो. क्या मारते हैं यार, वो रोहित शर्मा मारते हैं, विराट कोहली तो हमें खुद को हरवा देते हैं. आपने देखा नहीं कितना बुरा खेलते हैं विराट, तो सबसे ज्यादा सेल्फलेस तो विराट, मतलब सबसे ज्यादा सेल्फिश है विराट कोहली. और तो कैसे, मेरा बड़ा वो फ्लो खराब हो रहा है, क्योंकि हाँ मेरे को लग रहा है आपका अस्पताल ले जाना यार. अब जिगली विगली को तो देखो, जिगली विगली कहाँ है? जिगली विगली रोहित के पास है. देखिए जिगली विगली रोहित के पास है तो उनको खिलाना चाहिए. नहीं लेकिन आप गुड, आप गरारे करिएगा. नहीं, मैं तो ईशान शर्मा को अवार्ड मिलना चाहिए ऐसी बात करने की. उनके तो गले पे 24 घंटे कितना प्रेशर रहता हो. नहीं उनका देखा आपने वो जो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, वो राम के छोले भटूरे टाइप जो हुआ, विराट कोहली एक्टिंग कर रहे थे ईशान शर्मा की, तो उन्होंने बोला था कि ईशान शर्मा आए थे, ईशान शर्मा आते विराट के पास, वो यार तू बोलते मेरे को यार. एक और हमारे भाई हैं, वो बोल रहे विराट की एक्टिंग. देखिए विराट की अभी मैंने कोई करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन विराट की एक चीज मेरे को हमेशा स्ट्राइक करती है, बीच बीच में मैच के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहीं पे भी होते हैं, पता नहीं आंख में से क्या निकालते हैं.
नहीं, विराट की एक्टिंग बड़ी मुश्किल है। पहले आपको खोदते हैं, पता नहीं क्या उसमें से निकालते हैं, फिर देखते हैं उसको क्या आया है आंखों में से। तो वो बस एक मैंने स्ट्राइकिंग चीज देखी है उनकी, बाकी मुझे पता नहीं। मैंने इतना विराट की एक्टिंग बड़ी मुश्किल है, मैंने कोशिश भी नहीं की। नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं, विराट का जेस्चर कोई ऐसा नहीं है। विराट का है अपना स्टाइल है उनका भी, लेकिन मैंने कभी करा नहीं, उनकी जरूरत नहीं पड़ी। उनकी बैटिंग ही देख के मजा आता है। बेस्ट बेस्ट एक्टिंग तो उनकी होती है ना, जी जी की एक्टिंग। गौतम गंभीर जी जी बात कर रहे होते कमेंट्री बॉक्स में। अभी कमेंट्री बॉक्स चल रहा है। देखिए, आपको पूरी टीम जिताती, कप्तान नहीं जिताता, ये आप समझ लीजिए। और आप जो ये बात कर रहे हैं ना, मेरे 97-91 से बड़े थे। 97-91 से बड़े थे, लेकिन कैसे आता है। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि मतलब जब रोहित शर्मा की कप्तानी में, फिर क्या बोलेंगे आप? बिकॉज रोहित शर्मा को तो आपने हमेशा जी आप जी। ये बोल रहे हैं कि कप्तान नहीं जिताता, एक आदमी नहीं जिताता, लेकिन रोहित शर्मा ने तो जिताया। फिर देखिए, कप्तानी से जरूरी होता है सेल्फलेस होना, और सेल्फलेस से ज्यादा जरूरी होता है जिगली विगली होना। जिगली, तो आपका जिगली विगली होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरी नजर में सबसे बेहतर कप्तान इस दुनिया के हैं रोहित शर्मा, और उनसे ऊपर सिर्फ एक है, बाबर आजम। और ये मेरी क्लैरिटी है, और वो नंबर वन बैटर है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन विराट क्या, विराट नंबर वन चल रहे हैं, आपने बाबर को नंबर वन बना दिया, क्या बात हुई? विराट कोहली, देखो विराट कोहली और जीजी। गंभीर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने विराट कोहली को नंबर वन नहीं बनाया, और आपने बाबर आजम को नंबर बना दिया, इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? और आप बोल रहे हैं विराट अच्छे कप्तान नहीं है, रोहित ने भी तो कुछ नहीं जिताया। देखिए, ये फैब फोर की जो बात होती है ना जी, यहाँ पे फैब फोर नहीं, फैब वन है, दैट इज बाबर आजम। बाबर, okay. और बाबर आजम है बॉब्जी द किंग, और उनके अलावा यहाँ पे कोई भी किंग नहीं है। जितनी भी ये बातें होती हैं, जितना भी लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा यहाँ पे बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, देखिए रोहित शर्मा तो बड़े बल्लेबाज हैं, ये तो मैं मानता हूँ। विराट क्यों नहीं है? विराट कोहली, देखिए विराट का मैं आपको बताऊं कि विराट के रन जब आते हैं तो बड़े धीमे आते हैं स्ट्राइक में, उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है। बट ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जो यहाँ पे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉक खेलेगा ना, वो जिताएगा। और रोहित शर्मा, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि रोहित शर्मा के 17 रन कहीं ना कहीं विराट कोहली के 46 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित शर्मा अगर आपको वैसे शुरुआत ना देते तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली वहां पे आपको आगे कन्वर्ट करके देते। और ये मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं विराट कोहली के सामने आऊंगा जी, तब मजा बहुत आता है। आप बताएंगे उनको? आप बताएंगे? तब मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आप बताएंगे? अच्छा, आपको मेरे ख्याल श्रीलंका में कुछ फैंस ने कोहली कोहली किया, तो आपने उनकी मां-बहन मतलब थोड़ा सा गाली गलौज लग रहा था कि वहां पे कोहली कोहली के नारे लगे, तो आप गोली हो गए वहां से, क्या था ये? देखिए, जैसा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं गंभीर हूँ, और मैं गंभीर ही रहता हूँ, मेरे चेहरे पे ज्यादा स्माइल नहीं आती है। और जब लोग मुझे ऐसे परेशान करेंगे जी, तो मैं जवाब जरूर दूंगा। और मैं फिर से आपको बता दूं कि कभी भी कप्तान मैच नहीं जिताता, कप्तान तो बिल्कुल मैच ही जीता। आपको प्लेयर्स, आपको टीम मैच जिताती। लेकिन उस दिन जब रोहित शर्मा जब मैच जीते रोहित शर्मा, तो आपने बोला कप्तान ने मैच जीता है। जब विराट कोहली मैच जीते, तो आपने बोला कप्तान मैच नहीं जिताता। जब धोनी मैच जीते, तो आप बोलते कप्तान मैच नहीं जिताता। रोहित शर्मा जीतते, तो आप बोलते हो बहुत बड़े। आपने बोला नहीं था कि इंडिया का दुर्भाग्य होगा अगर रोहित शर्मा कप्तान ना बने? आज आप पलट गए और बाबर को कह रहे हो कि नंबर वन है। बाबर को पाकिस्तान ने निकाल दिया, आप बाबर कर रहे हो। देखिए, आप इस फील्ड की गहराई को समझिए। क्या गहराई है बताएं? इस फील्ड की गहराई ये है कि आप उस प्लेयर को अप्रिशिएट कीजिए जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो शायद ज्यादा बेहतर कर पाए। अच्छा। और उसके लिए बेहतर होगा। अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कभी बेहतर नहीं कर पाएगा। वो हमेशा वही अंडररेटेड प्लेयर बनकर रह जाएगा, जैसे कि बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम एक क्वालिटी प्लेयर है, उनमें केन विलियमसन, उनमें डॉन ब्रैडमैन, उनमें सर विव रिचर्ड्स, उनमें सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एबिलिटी है। बिल्कुल, जिस दिन उनका बल्ला चल गया, आप देखिएगा वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करेंगे वो। अगर आपके, देखो ये तो गौतम गंभीर की बात हो गई, गौतम गंभीर तो सीरियस रहते हैं, इसके अगर आप वीरेंद्र सहवाग हो गए, वीरेंद्र सहवाग अलग ही चर्चाएं होती है वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग का आप शो देख लो। यार बड़े टाइम से नहीं देखा मैंने उनका शो, लेकिन वीरेंद्र सहवाग, वैसे वीरेंद्र सहवाग अब थोड़े सीरियस हुए हैं, बिकॉज पहले इतनी सारी बात करते थे वो। हाँ। कि उनको कमेंट्री से रफा दफा हो गए थे। लेकिन वीरू पाजी की भाई, एक तो पहली बात यह है, आई थिंक जिस आदमी ने इंडियन क्रिकेट को चेंज किया ना, हाँ। उसका नाम है वीरेंद्र सहवाग। हाँ। जो उन्होंने अटैकिंग मारना शुरू किया ऑस्ट्रेलियंस को, पाकिस्तानीज को, खतरनाक। उस टाइम पे तो देख ले, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, दोनों, धोनी भी है, गंभीर भी है, नेहरा भी है, जैक भी है, सब है, हरभजन सिंह भी है, विराट खुद है, बाद में आए विराट। लेकिन जो इन दोनों का इम्पैक्ट है ना, स्पेशली वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट में और यूवी पाजी का वाइट बॉल में, भाई ये लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स। मतलब वीरेंद्र सहवाग तो भाई आते ही तेंदुलकर की लीग में आते ही तोड़ देते। लेकिन सहवाग का मैंने कमेंट्री देखता हूँ, सहवाग की जब भी कमेंट्री सुनो,
देखो बैटिंग कोई भी अब रन बना रहा है वहां पे बेचारा विराट कोहली खेल रहा है, वो बेचारा रन मार रहा है, विराट ने मारी कवर ड्राइव। देखिए ये कवर ड्राइव तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने समय में जो कवर ड्राइव लगाता था ना वो आप जाके देखिए उसमें कमाल है। तो ऐसे उनका, नहीं ऐसे आप नहीं जाके देखिए, आप मुझे बताना कमेंट्स में जो भी वीरेंद्र सहवाग अपना नहीं बोलते, नहीं वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग देखिए मैंने जो अब बेचारा कोई कोई मार रहा हरीश आपको अपना नहीं बोल, कोई भी मार रहा हरीश आपको यार आप लोग बताओ ऐसे करते हैं क्या वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग कॉमेंट्री में करते हैं क्या बताइए क्या। देखिए उनका किसी का भी किसी की भी बैटिंग की बात चल रही है, वीरेंद्र सहवाग देखिए ये बल्लेबाजी तो ठीक है, लेकिन आपको याद है जैसे मैं बल्लेबाजी कर यार शोएब अख्तर को जिस आप उनकी कमेंट मैं उनकी कमेंट्री सुनता था वीरेंद्र सहवाग की, वीरेंद्र सहवाग की कमेंट्री। अच्छा एक और कब हुआ है एक और आपने झूठा इल्जाम, एक और कमेंट नहीं ऐसा होता है झूठा इल्जाम, वीरेंद्र हिंदी कमेंट्री वो यही करते हैं मतलब नो डाउट यार रिस्पेक्ट है, हिंदी कमेंट्री तो वैसे ही बर्बाद कर दिया। देखो सहवाग के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की कमेंट्री तो ऐसी होती है जहां पे उनकी खुद की बात आ जाती है, लेकिन एक कमेंटेटर कुछ लोग लिख रहे हैं यस, कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं, एक कमेंटेटर मेरे उमेर बोल रहे हैं इमाम गुड वर्क भाई, एक मेरे फेवरेट कमेंटेटर है चोपड़ा जी यस, दुनिया का सबसे गंदा कमेंटेटर है यार वो, मैंने उसकी आदमी की वजह से हिंदी कमेंट्री सुनना बंद कर दिया। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, महेंद्र देवनाथन धोनी, अरे ये देवनाथन धोनी क्या है यार, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, महेंद्र देवनाथन धोनी, कवि बने कमेंटेटर, कमेंटेटर बने कवि। और रही इसमें कमी, मतलब कितनी अजीबो गरीब वो करता है यार कमेंट्री, लेकिन सहवाग ने एक बार छमिया बोल दिया ना विराट को, छमिया नाच रही है हाँ, वो तो खैर ये तो हिंदी कमेंट्री में ये चीज आ जाती है। एक और मेरे को याद दिमाग ध्यान में आ गए, शास्त्री साहब जब ये आते टॉस के लिए, इट्स टॉस टाइम, रंजन मधुकुले विद मी रोहित शर्मा, 50,000 people over here, 50,000 is ready with the toss, let's go, bring me Kingfisher, ultra, enjoy life guys, I've always said, get the pitch out of the equation, bhaar mein aisa jaye sab kuch, bhaar na band ho jaye, band karao match, let's go guys, वो तो मतलब बहुत ही मजे उनका ऐसे ही आता है, वो जैसे आते वो उनका ऐसे आता टॉस टाइम में, एक बार याद है अपने टाइम पे सेट थे वो बहुत, अभी डब्ल्यूपीएल साबाटिनी और वो टेनिस प्लेयर इन सब के बारे में हमने सुना हुआ है, नहीं अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग मैच था तो रवि शास्त्री जी गए फुल एक्साइटेड विद मी कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस, वो मन में सोच रहे गुजरात जायंट्स है भाई, गुजरात जायंट्स हमारी टीम।